नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको सोनभद्र से, जहां क्राइम ब्रांच एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 250 ग्राम हीरोइन कीमत लगभग 25 लाख रुपए के साथ दो नफर तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट प्रवेक्षण एवं नेतृत्व में समय रात को क्राइम ब्रांच एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चंडी तिराहा के पास अटिका कार नंबर UP65CY9686 सवार दो नफर हीरोइन तस्कर एक आरती देवी उर्फ पत्नी दिनेश सर्जन निवासी ग्राम इलाही थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र पता कांशीराम आवास थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 32 वर्ष अजय पुत्र पासवान सीताराम पासवान निवास पेठी गांव थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 20 वर्ष को गिरफ्तार कर 140 ग्राम हीरोइन व 110 ग्राम हीरोइन कुल यानी कि 250 ग्राम लगभग हीरोइन जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है बरामद कर लिया है। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने सुनिए। बीती रात चंडी तिराहा से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक इसमें आरती उर्फ मौसी है और दूसरा अजय पासवान है। ये दोनों रॉबर्ट्सगंज के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 250 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। और ये एक अर्टिगा गाड़ी से जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये मुगल सराय से किसी ब्रोकर के माध्यम से लाते हैं और यहाँ पर फुटकर भेजते हैं। और इस आरती और मौसी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो ये हमारी स्वाट और सर्विलांस तथा एसओजी की टीम ने और थाना रॉबर्ट्सगंज की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। दो दिनों में सर दूसरी सफलता लगातार एसओजी और थाने पुलिस को मिली है। नहीं, पूरा ड्राइव चल रहा है और जहाँ पर भी इस तरह की सूचना, जैसे बताया था कि जैसी भी सूचना मिलती है, चाहे मैनुअली हो या हमारी सर्विलांस की और एसओजी टीम लगी हुई है, और जहाँ पर भी इस तरह की सूचना मिलती है हम लोग त्वरित कार्रवाई करके इस पर कार्रवाई आगे भी करें।